प्रदेश सरकार भले ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए निरंतर बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती हो, लेकिन निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 2 सालों से बनकर तैयार खड़ी बनी ये नई बिल्डिंग है, जिसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन बिल्डिंग का रैंप ना बनने के कारण पिछले 2 वर्षों से इस बिल्डिंग पर ताला ही लटका हुआ है। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर जब हमने अस्पताल में आने वाले मरीजों और स्थानीय लोगों से बात की तो सभी का यही कहना था कि अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग में लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने इस बिल्डिंग का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन 2 सालों से इस पर ताला लटका हुआ है। ऐसे में बिल्डिंग पर मरीजों की परेशानी जैसे कि तैसे बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द रैंप तैयार करवाकर बिल्डिंग को मरीजों की सुविधाओं के लिए खोला जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को समय पर उचित सुविधाएं मिल सके। नई बिल्डिंग थी उसको बने हुए 2 साल हो गया और उसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन जो रैंप है वो रैंप की वजह से उसमें नई बिल्डिंग में मरीज नहीं जा पा रहे हैं, और जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें इतना ज़्यादा बर्डन है मरीजों का कि पैर रखने की जगह नहीं है। और ये रैंप अगर जल्दी से जल्दी हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार इसको जल्दी से जल्दी तैयार कराते तो जो पुरानी बिल्डिंग है उसका जो मरीजों की जितनी भारी संख्या है उसका बर्डन कम हो जाएगा और मरीज नई बिल्डिंग में जो है शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। सर, नागरिक हॉस्पिटल के अंदर नई बिल्डिंग को बने हुए 8 से 9 महीने हो चुके हैं, उसकी ओपनिंग भी हो चुकी है, लेकिन आज तक उसे चालू नहीं किया जा रहा, क्या कारण मान? ओपनिंग तो अभी नहीं हुई है, उसमें अभी रैंप वगैरह बनना बाकी है। सरकार ने तो पैसे भी दे दिए हैं, पैसे ट्रांसफर हो गए अकाउंट में, लेकिन वो बनाने वाले वो पता नहीं अब किस क्या डील है क्या नहीं है। क्यों ऐसा सब कुछ तैयार, क्यों ऐसा डिले हो रहा है, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई? ये तो भाई ये विभाग वाले जो जिन्होंने बनाना है जो ठेकेदार है ये बताएंगे, लेकिन सरकार ने पैसे दे दिए हैं और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन ये जो ठेकेदार है ये करने के लिए राजी नहीं। सर, आपको नहीं लगता कि जिला रेवाड़ी की संख्या को देखते हो, पेशेंट्स की संख्या को देखते हो, जल्द से जल्द उस बिल्डिंग को? मुझे ऐसा लगता है जितनी जल्दी अगर ये देना उतना ही लोगों का फायदा, और बिल्डिंग अगर ज्यादा पुरानी हो जाएगी तो वैसे भी फिर ये टूट जाएगी, क्योंकि 2 साल हो गए इसको बने, सिर्फ रैंप के चक्कर में ये जो है ले नहीं पा रहे हैं और चल नहीं। डॉक्टर साहब, बात की जाए जितने पेशेंट है इतनी गर्मी है, लेकिन पानी की व्यवस्था वाटर कूलर वगैरह अभी उतना नहीं है। हमने 5 रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज़ के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।